गुड मॉर्निंग फ्रॉम नालदेहरा. वी आर स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ क्लब महिंद्रा एंड टुडे वी आर लीविंग. हम यहाँ लास्ट टू डेज से रुके हुए थे और पता भी नहीं चला वक्त कब निकल गया. बट द प्लेस इज नाइस एंड द प्रॉपर्टी इज नाइस. डे बिफोर यस्टरडे जब हम यहाँ आए थे तो टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया था. ये जो बालकनी है इसमें खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, लेकिन कल टेम्परेचर नॉर्मल था. हम आराम से यहाँ खड़े हो पा रहे थे, बातें कर पा रहे थे. आई डोंट नो क्या रीजन है, बट दोनों ही दिन बहुत अच्छा लगा. अभी हमने अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है. पैनियर्स लोड हो गए हैं, राइडिंग गियर रखे हुए हैं. राइडिंग गियर आज मैं नहीं पहनूंगा, ऐसे ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हम जा रहे हैं आज कंडाघाट, और कंडाघाट जो है यहाँ से बहुत पास में है, तो राइडिंग गियर पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, फोटोग्राफी करते हुए जाएंगे और बहुत मजे करते हुए जाएंगे. अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, फ्रूट्स, और फिर फटाफट से निकलूंगा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. मल्लिका रेडी? ये मुझे दे दे. बाकी सारे लोग भी रेडी हो गए और उनका सामान यहाँ रखा हुआ है, तो फटाफट से हम भी अपना रूम चेकआउट करते हैं. तो अपना ट्रैवलर जो है वो पीछे निकल रहा है, हमारी बाइक भी पूरी तरह से लोड हो चुकी है, तो हम भी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं. प्लान ये है कि अभी जाएंगे यहाँ से शिमला. शिमला में मॉल रोड घूमेंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत दिखाना जरूरी होता है और उनको भी घुमाना जरूरी होता है. तो दो दिन के बाद मेरी बाइक में लगेज और पैनियर भी लोड हो चुके हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू राइड इट, सो लेट्स गो. ओके, तो हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं. टेम्परेचर अभी 14.5 है. कहने को 14.5 है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 23-24 टेम्परेचर होगा, क्योंकि पहाड़ों पे जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ होती है. आज का जो डेस्टिनेशन है विच इज़ कंडाघाट, यहाँ से 60 किलोमीटर्स है. तो मल्लिका कल तू बाइक पर नहीं थी, ट्रैवलर में थी, तेरे को कैसा लगा ट्रैवलर में? मतलब तेरे को लगा कुछ कि बाइक में होना चाहिए था या ट्रैवलर इज़ बेटर? सच सच बता दे ऋषि, मुझे लगा कि मुझे बाइक पे होना चाहिए था, बट ट्रैवल की मस्ती भी अलग थी. मेरी पूरी फैमिली और मस्ती वाला मजा आता है, राइट? हाँ, तो हम लोगों ने काफी गाना बजाना वगैरह सब किया, काफी अच्छे अच्छे मोहम्मद रफी जी के पुराने गाने भी सुने मैंने, जिसमें मैंने झपकी भी मारी. नो ऑफेंस प्लीज, काफी लोगों को अच्छा लगता होगा लेकिन वो काफी ही ज्यादा नींद वाले गाने थे, समझ रहे होंगे आप लोग, लेकिन आई हैड फन. सब लोग साथ में होते हैं, शोरगुल रहता है तो मजा आता है उसमें. वो टोटली बाइक से टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था. मुझे एक बार को लगा कि मैं ज्यादा, मेरे को लगा कि मुझे बाइक पे होना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन मैं अगर सही सही बताऊं तो उस वक्त रात थी और रात में तेरे को कुछ वैसे देखने को मिलता नहीं, क्योंकि बाइक का सबसे ज्यादा मजा जो है वो व्यू का है. जो व्यू बाइक में नजर आता है वो किसी गाड़ी में नजर नहीं आता, इवन सनरूफ वाली गाड़ी में भी नजर नहीं आता. तो कोई बात नहीं, रात का टाइम था, दिन के टाइम में यू आर बैक ऑन द बाइक. यस, एंड आई एम सेम एज बिफोर. चलो गुड. तो ये रोड आ गया शिमला के लिए, पीछे जो नीचे गाड़ी आ रही है वो था नालदेहरा के लिए, और ऊपर जो रोड जा रही है वो है नारकंडा का. तो अगर आप शिमला से नारकंडा जाओगे तो नालदेहरा के लिए लेफ्ट में नीचे को एक रोड जा रही है जहाँ से आप नालदेहरा पहुँच सकते हो. और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब कुछ लोग मेरी वीडियोज देख के ट्रेवल करने लगे हैं. सो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू शेयर. गोली मैंने जीप बाहर निकाल के अंदर गिरा दिया, हेलमेट के वो पकड़ ली. मेंढक की तरह तेरे टॉफी चबाने की वजह जहां तक आ रही है. हम लोग शिमला पहुंच गए हैं और शिमला पहुंचते ही यहाँ के ट्रैफिक ने हमारा स्वागत कर लिया है. अब यहाँ पे कहीं पार्किंग देखेंगे. वैसे तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि मैं अपनी बाइक शिव भैया के साथ छोड़ दूंगा और लगेज वगैरह जो भी है बाइक पे वो एज इट इज रहेगा. अगर शिव भैया नहीं होते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती. एज यूजुअल शिमले द ट्रैफिक. मुझे तो शिमला की मॉल रोड पे आए हुए इतना टाइम हो गया कि मुझे याद भी नहीं कि कौन सी है. मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करता हूँ और शिमला जो है वो मेरे रास्ते में आता है, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे शिमला आए हुए और मुझे अब कुछ भी याद नहीं है. लास्ट टाइम जब मैं इस रूट पे आया था तो मैं चितकुल गया था और मैं रामपुर रुका था. इससे पहले मैं जब इस रूट पे आया था तब मैं स्पीति गया था, तब मैं शिमला रुका था. ये मैंने देखा है, आई रिमेम्बर दिस पुल. हाँ, यहाँ पे आके हम रुके थे जब स्पीति गए थे. तो ये लगा दी मैंने अपनी बाइक सेफली पार्किंग में और ये आ गए हम शिमला की मॉल रोड पे. यहाँ पे क्राउड काफी ज्यादा है तो मास्क वगैरह पहन लिया. मेजर साहब,
अभी हम लोग शिमला मॉल रोड पे बैठे हुए हैं और ये रेस्टोरेंट का नाम है पकवान। बाकी सारे लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके आए हैं और हम खाने बैठे हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, भूख बहुत लगी है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं और कुछ आगे कॉर्नर वाली सीट पे। यहाँ पे बहुत शांति है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। खाना आ गया है, लच्छा पराठा, मशरूम, कढ़ाई मशरूम और ये क्या था, चना मसाला। लुकिंग नाइस। अभी हम मॉल रोड पे बैठे हुए हैं शिमला की और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा मौसम है, शेडो भी है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और सामने सारी शॉप्स हैं। और सामने हमारा रेस्टोरेंट है जिसमें हमने खाना खाया, पकवान। कैसा लगा मामा जी खाना? खाना बहुत डिलीशियस था। मेरे ख्याल से हमने दिल्ली से लेके अब तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। फुल पेट खाया और इतना पेट भर गया कि अब हम बैठ के उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं सो जाएं, चार पे मिले और ऊपर चढ़ रहा है। सर्विस थोड़ी सी स्लो थी क्योंकि हम काफी सारे लोग हैं। हमारे साथ कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया आज भटिंडा से, तो जैसे ही वो मिलते हैं मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ अच्छी सी लोकेशन में हम लोग आ गए हैं, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। साथ कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है, सुम्मी भैया, रूबी भाभी और बिमला मासी और मैं। ये क्या हो रहा है? ये पूरे दिन सोते हैं और रात भर जागते हैं। लेकिन साइज तो देखो और एक हमारे आगे देखो, मरने की हालत में हो गए यार। तुम्हारे को हमेशा कहीं हर जगह रुक रुक के जाना होता है क्या? शूज लेने हैं हर जगह। कब से लेने? आज से। मैं तब से देख रहा हूँ शूज ले रही। तुम नहीं उस समय मिले? जब गए थे तब भी ले रही थी। नहीं यार, तुम सेलेक्ट करके गए थे। अच्छा, सेलेक्ट करके गए थे। हालत देखो इसकी, बंदरों से कैसे डर रहा है। जाना थोड़ा इधर जाना। अरे उधर देखो भाई, पे खड़ा था मेरे। अरे थोड़ा सा खड़ी के मेरे सिर पे आके। देखना नहीं, देखना नहीं पूर्वा, देखना नहीं, देखना मत पूर्वा। इधर आ जाओ, आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे। क्या अशोक पागल है तू? बिल्कुल ही कोई बच्चा है तो मतलब। अरे इसको जाना, जा आगे, जा आगे, जा आगे। आपस में खाने की लड़ाई चल रही है इनकी। यस, छोटू है, छोटू क्यूट है। ये वो चल रही है प्लेनेट ऑफ एक बार आगे तो जा। मैं आपको शानू की एक कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी शानू ना शूज खरीद रही थी तो इसको दो शूज पसंद आए। एक शूज के लिए कहती है भैया एक आठ, ये वाला 800 का और दूसरा वाला 1400 लगा रहे हो तो ठीक है, या तो ये हिसाब रख लो या फिर दोनों 2000 के दे दो। तो भैया बोलते ठीक है आप 800 और 1400 दे दो। बट मुझे कंफ्यूजन हुई, मुझे लगा 2000 का मैं दोनों देता तो बेटर है ना यार। हमारे पास दो पेयर होते हैं कि अगर तुम मेरे हम लोग लिफ्ट से ऊपर आए थे और लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे लिफ्ट की जो टिकट है वो 10 रुपीज पर हेड। अभी हम एक फ्लोर नीचे आ गए हैं, अब इस कॉरिडोर से जा रहे हैं और फिर एक और लिफ्ट पकड़ेंगे तब नीचे पहुंचेंगे फाइनली। यही सब चीजें खानी होती तेरे को? मुझे अच्छी लगती यार ये। फिर ये खाती भी है, जबरदस्ती खिलाती भी है। तो शिमला से हम लोग निकल गए हैं, हमने बहुत मस्ती मारी, बहुत एंजॉय किया और इतनी मस्ती मारी कि देखो शाम ही कर दी, सनसेट भी हो गया है।
सामने सनसेट का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू जो है नजर आ रहा है। टेम्पो ट्रेवलर हमारा आगे चल रहा है और मेरे साथ पीछे बैठी हुई शानू। शानू से हेलो। और मल्लिका जो है अभी ट्रेवलर में बैठी हुई है। मल्लिका शहर से पूरे रास्ते और आते वक्त भी शहर से टेम्पो ट्रेवल में मिले, कुछ भी हो सकता है। अभी शानू बैठी हुई है, शायद थोड़ी देर बाद हार्दिक बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होगा इस कहानी में। अभी तुम्हें ठंड लगेगी ना? ठंड भी नहीं लग रही। अभी लगेगी ना थोड़ी देर में, सनसेट अभी हो गया ना, अभी पता चलेगा तुम्हें। चलो देखते हैं, बट हार्दिक फिर भी नहीं बैठेगा। जब तुम बोलोगी नहीं 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 मुझे उसी में बिठा दो, देखते हैं वक्त बताएगा। सीओडी का अगला एपिसोड। और ज्यादा मजा आएगा। ठंड जो है ठीक ठाक बढ़ गई है और ये टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता ही जाएगा। लेट्स सी कितनी ठंड होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं नारकंडा से नालदेहरा आया था तो इतनी ठंड नहीं थी उस दिन, तो हमें लगी भी नहीं और बड़े ही कंफर्टेबली हमने बाइक चलाई। और लास्ट वाले वीडियो में मेरे साथ पूर्वा बैठी हुई थी, पूर्वा को भी बिल्कुल ठंड नहीं लगी। देखते हैं आज क्या होता शानू के साथ। वो देखो हिमालय नजर आ रहा है सामने, कितना सुंदर। वो जो वाइट वाइट है ना, बर्फ। हाँ, जो बर्फ चमक रही है। फ्रेश स्नो पड़ी है यहाँ पर कुछ, ये तो आज ही पड़ी है, कल पड़ी है। यहाँ के सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताओ क्या लगा मुझे? कमरे नहीं, कमरे तो छोड़ो, वो नहीं है क्या कहते हैं उसे, बॉनफायर वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्लब महिंद्रा वाले इनकी ना वो थोड़ी सी वो रहती है। हाँ, नखरेबाजी। अपने पास जुगाड़ है पूरा, कोयला वगैरह अंगीठी लेकर आया हूँ मैं। हाँ तो लगा ही लेंगे ना, बालकनी में कर लेंगे। आज कर ही लेते, मजा नहीं आ रहा। बालकनी में ठंड भी लगेगी और कोयले का मजा भी आ जाएगा। देखो नीचे स्मोकी स्मोकी हो रहा है। हाँ, सारा ऐसे हो रहा, पूरा फॉगी हो रहा। सो द कंडा घाट इज 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, मे बी शायद 20-25 मिनट्स, नहीं 20 मिनट्स ही लगेंगे हमें पहुंचने में। सनसेट हो गया, अंधेरा भी होने लगा है। GoPro जस्टिस नहीं कर रहा होगा लेकिन मेरे राइट साइड में बहुत ही ऑसम व्यू है। क्लाउड्स के पीछे जो सनसेट होता है इतना अच्छा शेड आता है, ऑरेंज कलर का, कभी ब्राउन कलर का और कभी सिल्वर कलर का, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही शेड आ रहा है। तो मैं और जानवी यहाँ पे बैठ के अपने ट्रैवलर का वेट कर रहे थे, निकल गया। हमारी शर्ट लगी थी कि 5 मिनट में आ जाएगा, वो 5 मिनट में नहीं आया, 7 मिनट में आया। हमारी दूसरी दोबारा शर्ट लगी कि अब 10 मिनट में आ जाएगा। तो चलो 20 रुपए कैंसिल करते हैं, अभी भी मुझे 10 रुपए देने हैं। 10 रुपए पे टेम होंगे मुझे। यस, मैं हारा हूँ, 5 मिनट वाला मैं हारा हूँ, 15 मिनट वाले में गैप मिल चुका था आपको। और ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया एज ए प्रूफ। अगर कोई गर्मी में यहाँ पे आ रहा तो तब भी सिर्फ जैकेट वैकेट पहन कर आते हैं। हाँ, शाम को पहननी पड़ती है ठंड, इवनिंग में हाँ पहननी पड़ती है जैकेट, ठंडी ठंडी हुआ तब भी। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड इसका रास्ता देखूँ मैं, ये तो बोर्ड लगा हुआ है क्लब महिंद्रा कंडा घाट, और आई थिंक यार यहाँ पे ऊपर कैसे जाएंगे, मुझे तो एंट्री समझ में नहीं आ रही इसकी कहाँ से है। देखते हैं आगे जाके। ये आ गया हमारा ट्रैवलर। चलिए 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 चलिए, ले जाओ अंदर, ले जाओ। चलिए चलिए चलिए, तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल है यहाँ पे। ओहो, यहाँ की प्रॉपर्टी अच्छी है, फोटोज अच्छे हैं कि बहुत। चलो अभी तो बाइक यही खड़ी करते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ खड़ी करनी है। ये लो व्लॉगर्स आ गए, हमारे व्लॉगर्स मल्लिका ट्रैवलर्स। ये आ गए हम क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी तो बढ़िया है। तो ये है हमारी कंडा घाट की ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी ऑफ क्लब महिंद्रा, और ये प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत है मामा जी, है ना? यस, बहुत ज्यादा है ना, अपनी नालदेहरा से भी बढ़िया है। नॉर्थ के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। नालदेहरा का जो हमारा व्यू था वो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। 16 एकड़ के अंदर बनी हुई है प्रॉपर्टी। 16 एकड़। वैसे मेरे को प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ पे डेस्टिनेशन अच्छा हो, व्यू अच्छा हो, वहाँ पे होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल खुश सा हो रहा है। रूम देख के और ये प्रॉपर्टी देख के इतना मजा आ रहा है। अभी यहाँ पे वैसे अंधेरा हो रहा है लेकिन यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड में एक बार प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कि ये कैसी है। ये है हमारा ह्यूज सा रूम एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी लग्जूरियस। मुझे लग्जरी और कंफर्ट का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन इस रूम को देख के मैं भी थोड़ा सा ग्रीडी हो गया हूँ। ये रूम
बहुत ही बड़ा है। रूम के बाहर से शुरुआत करते हैं। यहां पे अपना खुद का एक पर्सनल सेटिंग स्पेस है और सामने बड़ा सा गार्डन है। यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक सोफा कम बेड है, मतलब यहाँ भी दो लोग सो सकते हैं, और एक किंग साइज बेड यहाँ पर है। एक और टेबल, ये बड़ा सा एक मिरर, ओवन, यहाँ पर भी शेल्फ बने हुए हैं। अब इसका वॉशरूम चेक करते हैं। ये देखो मेरा जो कैमरा है वो वाइड एंगल है और चीजें छोटी हो जाती हैं, लेकिन ये बाथटब इतना बड़ा है कि मैंने आज तक इतना बड़ा बाथटब किसी भी होटल में नहीं देखा। और ये शार एरिया, इधर एक छोटा सा फ्रिज है, मस्त है यार। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक्टिविटी हो रही है, तो एक काम करते हैं हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। स्पिन वाली इस पैकेज में, ये पूरी एक्टिविटी पेंटबॉल इससे अलग है। क्या कह रहा है, पबजी की याद आ रही है? नहीं। आज का दिन बहुत ही औसम रहा, बड़ा मजा आया। इतनी राइड नहीं करी हमने, लेकिन आज हमने रोड पे बहुत टाइम बिताया, इसलिए हम बहुत ज्यादा थक गए। यहाँ आने के बाद हमने थोड़ी एक्टिविटी करी, बॉनफायर में बैठे, और अभी हम जा रहे हैं बाकी सारे लोगों के पास, वहाँ पे म्यूजिक होगा, सिंगिंग होगी। यहाँ पे हमारा स्टे जो है वो दो दिन का है, हम कल भी यहीं रुकेंगे और परसों दिल्ली के लिए निकलेंगे। प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मैं दिन में भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी है, क्योंकि रात में सिर्फ लाइटिंग नजर आती है और दिन में सारा व्यू नजर आता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यहाँ तक देख ले तो कमेंट करना कंपलसरी, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।